नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लिट से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और दमदार टॉपिक, दैट इज अगेन फ्रॉम द फ्लूइड मशीनरी, दैट इज अ फोर्स एक्जर्टेड बाय योर जेट। जेट के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया फोर्स है, यानी कि दिया गया फोर्स है ऑन अ सर्कुलर स्टेशनरी प्लेट। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बढ़िया से रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कर मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप डॉक्टर आर के बंसल की बुक को परचेज कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया बेटर बुक है। सिंपल लूसिड लैंग्वेज में दी हुई है, भले वो केमिकल इंजीनियर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा हो, केमिकल इंजीनियर या फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर, तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया बुक है, आप उसे परचेज कर सकते हैं दिए लिंक के द्वारा। ओके, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कि हमारी जो प्लेट है वो कर्व्ड प्लेट रहने वाली है, ठीक है। इससे पहले हमने देखा है, आपने दो वीडियोज आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने से पहले, ठीक है। हमारे दो वीडियोज हैं, स्टेशनरी प्लेट देन इंक्लाइन प्लेट। तो आज का जो हमारा है ये प्लेट हमारी फिक्स है, कर्व्ड प्लेट है, ठीक है। ओके, तो इस पर आज हम जेट की स्ट्राइक हमारी रहेगी, ठीक है। ओके, सो दिस इज आवर सेंट्रल लाइन। ओके, ये जेट का आपका सेंट्रल लाइन रहेगा, ठीक है। ये है आपका जेट, मींस ये पाइपलाइन है, इसके आगे एक नोजल लगा हुआ है। आपको मालूम है फ्लूइड इस पाइपलाइन के जो अंदर रहेगा वो अंडर प्रेशर रहेगा, डेफिनेटली प्रेशर विल बी मोर देन योर एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब जैसे ही फ्लूइड इस नोजल के जरिए गुजरता है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी ऐड हो जाती है, यानी कि यहां पर वेलोसिटी ऐड हो जाती है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया आपका रिड्यूस हो रहा है और फाइनली जेट ट्रैवल करता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाता है। तो ये जेट जो है आपका स्ट्रेट ट्रैवल करता है और हम मानते हैं कि ये जो जेट है एक्चुअली ये स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है और चलने के दौरान इसके एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई तब्दीली नहीं आती है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब मेरा फाइनली इतना ही है कि अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया मेंटेन रहेगा तो, यानी कि डायमीटर मेंटेन रहेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया मेंटेन रहेगा ट्रैवलिंग के दौरान, और इसका हर जगह की वेलोसिटी इससे पहले कि वो स्ट्राइक करे आपके सर्कुलर प्लेट को, मैं यहां पे लिख देता हूं दैट दिस प्लेट इज योर फिक्स्ड सर्कुलर प्लेट, फिक्स्ड सर्कुलर प्लेट। इससे पहले कि आपका जेट ये स्ट्राइक करे एवरीवेयर द वेलोसिटी इज वी, मैं यहां पे लिख देता हूं, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा दिस इज स्मॉल ए। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, यानी कि देखिए ये जेट जो है एक पाइप की जैसा ट्रैवल करेगा, एक पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको यूटिलाइज करेगा, यानी कि जो फ्लूइड है वो इसी क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर बह रहा होगा। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया दैट वी विल कॉल इट एज ए, और इससे पहले कि वो स्ट्राइक करे हर जगह की वेलोसिटी आपकी वी ही रहने वाली है। ओके, अब ये स्ट्राइक करने के बाद ये कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ठीक है ये कर्व्ड प्लेट को अगर आप टेंजेंट बनाते हैं तो उस डायरेक्शन में ये आपका जो जेट है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये मैं यहां पर लगभग कुछ ऐसा बनाता हूं, ठीक है, अब हम देखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था कि ये आपका, और ये यहां पर मैं फ्लूइड लेयर्स बना देता हूं, ओके, दिस वन, दीज आर सम फ्लूइड लेयर्स, ओके। और आपको थोड़ा सा ये जरूर थोड़ा सा यानी स्ट्रेट नहीं लग रहा होगा, मगर एवरीवेयर द डायमीटर इज कॉन्स्टेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉन्स्टेंट। और हम मानते हैं कोई भी आप सेक्शन ले लीजिए इससे पहले कि जेट स्ट्राइक करे आपका सेंटर पे, एवरीवेयर द वेलोसिटी इज वी, ठीक है। मैं यहां पर थोड़ा सा डॉटेड लाइन कर देता हूं, ओके। अब मैं ये बोल रहा था कि अगर जब ये जेट इस पर स्ट्राइक करता है और हम मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है अगर ये स्मूथ है तो दैट मींस देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अगर इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे इससे पहले कि जेट स्ट्राइक करे वेलोसिटी वी है तो एनर्जी लॉस नहीं होने की वजह से, क्योंकि आपकी जो प्लेट है वो सर्कुलर है। एक काम करता हूं दूसरे कलर से मैं इसको बताता हूं, क्योंकि ये सर्कुलर है तो ये जो आपका जेट है ये ट्रेवल करेगा अलोंग द सर्कुलर प्लेट, वो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में सर्कुलर प्लेट के वो ट्रेवल करेगा विद अ वेलोसिटी वी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो दैट मींस आपका जो जेट है वो सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, लगभग मैं यहां पे बताता हूं, ओके, ठीक है। ये थोड़ा सा टेंजेंट नहीं दिख रहा है, एक मिनट, दिस वन इज दिस, ओके। तो वेलोसिटी कितनी होगी यहां पर, वी ही होने वाली है, ठीक है, ओके। तो मैं एक काम करता हूं यहां पर कहीं सेंटर पे एक काम करूंगा कि मैं आपको एक कमरेट बना के बताऊंगा, यानी कि जो जेट होगा वो लगभग सेम वेलोसिटी से ही ट्रैवल करेगा। अभी देखिए रेड कलर में तो दिखाना काफी इजी है, दिस इज वी, ओके। अब आप देखिए मैं क्या बोल रहा था कि ये आपका जो जेट है ये डिफ्लेक्ट हो गया है, ओके। हमें कैसे करना है ये, आप एक काम कीजिए, और इसकी जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल है आपके सर्कुलर प्लेट के। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप एक टेंजेंट बनाइए, ओके,
ये आपने टेंजेंट बनाया, ओके यहां से भी एक टेंजेंट बनाइए, दिस इज योर दिस इज योर टेंजेंट, ओके ये जहां पे मीट हो रहे हैं अगर आप देखेंगे दिस एंगल इज योर थीटा, ठीक है, तो डेफिनेटली ये जेट उसी डायरेक्शन में यानी कि सेम एंगल बनाता हुआ निकलेगा। अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा देखने में तो आपको थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, मगर मैं उसी हिसाब से आपका ये जेट की डायरेक्शन बनाता हूं तो जो वेलोसिटी होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। दिस वन, अब देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, डिफ्लेक्टेड फ्लूइड, और ये भी सेम एंगल बनाएगी आपका जो ये थीटा है, देखिए क्लियर हो गया, ये जो टेंजेंट है हमने सर्कुलर प्लेट को बनाया है और इसकी डायरेक्शन देखिए आपके फ्लूइड की वेलोसिटी की, ये दोनों सेमी डायरेक्शन में है और ये जो एंगल बनाएंगे थीटा जो ये एंगल बना रहे हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसी वजह से आपका जो वेलोसिटी होगा वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा था कि कहीं पर भी अगर फोर्स टेढ़ी है या कुछ एंगल बनाती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई एक्सिस से, तो वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाती है, एक जाता है आपका ऊपर और एक जाता है आपका नीचे, तो ये वाला जो दूसरा कंपोनेंट है आई कॉल इट एज, आपको मालूम है दिस विल बी वी साइन थीटा, अगर आपका एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए तो ये हो जाएगा ऊपर जाने वाला कंपोनेंट वी साइन थीटा होगा और यहां सामने जाने वाला जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी वी कॉस थीटा बट विद अ नेगेटिव साइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्राइक होने के बाद ये जो कंपोनेंट है वी आपका दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो ये कहला जाएगा आपका वी टू वाई, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और यहां पर जो फोर्सेस निकल के आ रही हैं दो हैं, एक तो आपकी एक्स डायरेक्शन में फोर्स होगी जो हमें डिटरमाइन करनी, एक वाई डायरेक्शन में फोर्स होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा वी टू वाई, स्ट्राइक होने के बाद की वेलोसिटी है और वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है जो ऊपर जा रहा है, और ये जो होगा दिस इज इक्वल टू वी टू एक्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दिस इज योर फिक्स कर्व प्लेट, तो अब हम इंपल्स न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके, ठीक है, यानी कि देखिए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके अब आपको मालूम है एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है डीवी बाय डीटी, ओके फाइनली अगर आप देखेंगे और अच्छे से दिस इज योर इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, यानी कि जो फोर्स एक्सर्ट की गई है आपकी जेट द्वारा आपके फिक्स्ड सर्कुलर प्लेट पे, ये दी जा सकती है बाय इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन से। तो फाइनली आप क्या कीजिए, मैं एम को क्या करता हूं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, एक मिनट इससे पहले कि हम मल्टीप्लाई करें डीवी देख लेते हैं, वी वन माइनस वी टू, ओके जो जनरली ज्यादा किसी वीडियो में नहीं दिया होता है कि वो कैसे मास फ्लो रेट आता है, ठीक है, वो हम देखते हैं अभी फिलहाल, दिस वन, ओके एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ओके दिस इज योर डी टी, अगर मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं दिस इज एम वी वन माइनस एम वी टू, ओके अपॉन डी टी, अगर आप देखेंगे मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है मोमेंट, तो दिस इज द मोमेंट बिफोर स्ट्राइकिंग द प्लेट एंड दिस इज द मोमेंट आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेट, तो दिस वी कैन राइट कि जो फोर्स दी जाती है आपके जेट द्वारा सर्कुलर प्लेट के ऊपर, ठीक है, वो कैसे बता सकते हैं, दिस इज द मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग, दिस इज द मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइकिंग, तो दिस इज नथिंग बट अ रेट ऑफ चेंज, नॉट रेट, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, और ये क्या हो गया आपका, दिस इज नथिंग बट अ चेंज इन मोमेंटम, वॉट इज दिस, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, दिस इज नथिंग बट अ चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ओके, और दूसरी चीज अगर हम चेंज इन मोमेंटम को जब टाइम से रिलेट करते हैं तो ये जो फोर्स है इसको लिखा जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लिखा जा सकता है, ओके, तो अब आप देखिए तो दिस इज बाय एंड दिस इज योर इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, तो चलिए अब हम आएंगे इस पर, किस पर, आप देखिए मैं इस पर वापिस आ जाऊंगा, तो दैट वॉज ओनली टू टेल यू दैट फोर्स कैन बी रिटन equal to rate of change of momentum, strike से पहले का momentum, strike के बाद का momentum, तो इसको बोलेंगे change in momentum upon time taken, तो फिलहाल अब मैं ये वाली equation को पकड़ूंगा, okay, अब आप देखिए कि मैं इसको लेता हूं further, okay, इसको लिखा जा सकता है equal force equal to m, ये dt को मैं इसके नीचे रख लेता हूं, so therefore we have v1 minus v2, clear हो गया, okay, तो this is our general equation, okay, अब अगर आप ये देखेंगे m by dt क्या होता है, this is nothing but a mass flow rate, मास दिस इज फ्लो रेट इंटू चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी को लेट मी राइट डाउन दिस इज वी वन माइनस वी टू, ओके तो अब इस इक्वेशन का यूज करके मेरे को फाइंड आउट करनी है फोर्सेस जो एक्स डायरेक्शन में दी जा रही है जेड द्वारा इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में जेड द्वारा वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो अब मैं ये सारी की सारी चीजें मिटा देता हूं, ठीक है, तो
तो ये है हमारी मेन इक्वेशन. ओके, तो अब मैं मिटा देता हूं. तो दिस इज अवर मेन इक्वेशन, दिस इज नथिंग बट अ मास फ्लो रेट. अब आपको मालूम है दिस इज योर मास फ्लो रेट, तो इसकी यूनिट क्या होगी, केजी पर सेकेंड. ओके, दिस इज इन चेंज इन वेलोसिटी. तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी मतलब वो भी कोई वेलोसिटी होगी मगर वो डिफरेंस होगा, मगर उसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही रहेगी. आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा. तो अब हम निकालते हैं Fx. दिस इज द फोर्स जो एक्सर्ट की गई है आपकी जेट द्वारा एक्स डायरेक्शन में. दिस कैन बी रिटन एज योर मास फ्लो रेट, जो मैंने इसे पहले लिखा था, मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन वेलोसिटी. सो देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग, और वो भी एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो दिस विल बी वी वन एक्स. आफ्टर स्ट्राइकिंग देयरफॉर दिस विल बी, दिस इज वी टू एक्स. और ये क्या है, अपोजिट में है. ये जो कंपोनेंट है, यहां पर मैंने एरो नहीं लगाया हुआ. ओके, ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का स्ट्राइक होने के बाद जेट के डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव है. आई होप आपको ये समझा होगा. ठीक है, तो देखिए अब कैसे लिखना है. अब मास फ्लो रेट है, तो दैट मीन्स अगर हमें मास फ्लो रेट लिखना है तो हमें एक टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और इसकी यूनिट याद रखिएगा, यूनिट क्या है मास फ्लो रेट की, केजी पर सेकेंड. तो हमें एक टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, रो. रो की यूनिट होती है यानी कि डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब. ओके, अब मुझे क्या चाहिए, केजी पर सेकेंड चाहिए, तो दैट मीन्स मेरे को मीटर क्यूब पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर आप देखेंगे मैंने मीटर क्यूब पर सेकेंड किसकी यूनिट है, दैट इज योर फ्लो रेट की, फ्लो रेट. ठीक है, तो ये मीटर क्यूब गेट कैंसल, तो केजी पर सेकंड रह गया, और साथ में अब क्या रह गया है, तो ये तो हमारा हो गया. तो फाइनली अब हम वेलोसिटी के बारे में लिखते हैं, दिस इज इनटू वी वन. इससे पहले कि जेट आपका स्ट्राइक करे, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी क्या है वो है वी. कहीं पर भी आप सेक्शन ले लीजिए, यहां पर लीजिए, यहां पर भी लीजिए, यहां पर भी लीजिए, कहीं पर भी लीजिए. अगर हम डाया सेम मेंटेन कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका सेम मेंटेन है, तो वेलोसिटी एवरीवेयर, इससे पहले कि स्ट्राइक करे वेलोसिटी सेम रहेगी. सो देयरफॉर दिस इज वी. ओके, माइनस वी टू एक्स. अब ये वी टू एक्स क्या है, स्ट्राइक होने के बाद की वेलोसिटी. ठीक है, स्ट्राइक होने के बाद की वेलोसिटी, यानी कि ये कंपोनेंट है वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में स्ट्राइक होने के बाद, और ये है वो वी टू एक्स. दिस इज इन द दिस डायरेक्शन, सो दिस विल बी नेगेटिव. ओके, ये जो साइन है ये है फॉर्मूले का. ओके, इसका खुद का साइन है नेगेटिव वी कॉस थीटा. आई होप आपको ये समझा होगा. ओके, अब आप देखिए ये तो हो गया. ओके, अब ये भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी ही आने वाली है. तो अगर आप देखेंगे मीटर क्यूब गेट कैंसल, केजी पर सेकंड जो था आपका मास फ्लो रेट, ये मीटर पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी से आया था. फिलहाल अब मैं मिटा देता हूं इसको. सो फाइनली वी कैन राइट द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कैन बी रिटन एज रो. अब आपको मालूम है क्यू कैन बी रिटन एज ए इंटू वी, कैपिटल ए इंटू वी, मगर इस यहां पर इससे पहले कि जेट आपका स्ट्राइक करे, एवरीवेयर द क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, वेलोसिटी इज वी. तो मैं यहां पे लिख लेता हूं रो ए इंटू, अभी हमने स्मॉल ए लिया हुआ तो इसे छोटा ए लिखते हैं, इंटू वी. ओके, नाउ दिस इज योर वी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज वी कॉस थीटा. ओके, सो फाइनली एफ एक्स इक्वल टू रो. अब v को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, ए वी, v को कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, दिस इज वन प्लस कॉस थीटा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो एफ एक्स जो है हमने जो निकाला है, मैं यहां पे लिख देता हूं, सो दिस इज द सॉरी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बाय द जेट ऑन द फिक्स्ड सर्कुलर प्लेट. ठीक है, तो दिस इज हाउ मच, दिस इज योर रो ए वी स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा. आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा. वैसे ही हम वाई डायरेक्शन में निकालेंगे, सो देयरफॉर दिस विल बी व्हाट, दिस इज योर एफ वाई, एवरीथिंग विल बी सेम, इस डायरेक्शन में निकालेंगे. ओके, तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी सेम, ये होगी आपकी वन इन योर वाई डायरेक्शन, एंड फाइनली ये जो एक्स है ये हमारी होगी वाई डायरेक्शन में. ठीक, तो अब मैं ये पूरा मिटा देता हूं. ओके, दिस वन इज ओके. ओके, दिस इज योर वाई, देन मास फ्लो रेट इज नथिंग बट हम डेंसिटी से इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको मैं बता ही चुका हूं, तो यहां पर क्या आएगा, दिस इज योर क्यू. एंड फाइनली ओके, अब इससे पहले कि जब जेट आपका स्ट्राइक नहीं हुआ था, एवरीवेयर द वेलोसिटी इज वी, तो ये आपका एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, इससे पहले कि वो स्ट्राइक करे, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये खुद जेट जो है ये ट्रेवल कर रहा है आपके एक्स डायरेक्शन में. सो दिस इज जीरो, नेगेटिव फॉर्मूले का. अब ये जो वी टू वाई है वो ये है, वी टू वाई इज योर फॉर्मूले का साइन आ गया है. ओके, दिस इज योर वी साइन थीटा. ओके, ब्रैकेट क्लोज. सो फाइनली एफ वाई कैन बी रिटन एज रो थीटा, दिस इज योर नेगेटिव वी साइन थीटा.
ओके फाइनली विल राइट डाउन दिस इज एफ वाई इक्वल टू ओके इससे पहले रो अब क्यू मालूम है आपको स्मॉल ए वी लिखा जा सकता है और यहां पर नेगेटिव साइन में लगा देते एक काम करता हूं मैं नेगेटिव साइन के साथ ही स्टार्ट करता हूं एफ वाई इक्वल टू नेगेटिव साइन प्लस माइनस यानी कि इंटू है मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ओके रो क्यू को मैं खोल देता हूं ए इंटू वी क्योंकि फ्लोरेट जो है फ्लोरेट दिया जा सकता है ए इंटू वी से एरिया इंटू वेलोसिटी तो एवरीवेयर द वेलोसिटी इज वी एरिया इज स्मॉल ए ओके अब ये जो वी इसके साथ एक काम करता हूं ये फिलहाल मैं ऐसे लिखता हूं वी माइनस साइन मैंने बाहर निकाल दिया था साइन थीटा ओके देयरफॉर दिस इज एफ वाई इक्वल टू योर नेगेटिव रो ए v into v is v square sin theta so this is your this one i hope aapko ye samajh mein aa gaya hoga ab ye jo negative sign hai kehne ka matlab hai ki jo fy hai aapka upar ki taraf act kar raha tha ye niche ki taraf act karega means jo aapki force hai wo niche downward direction mein act karegi aur ek aur cheez zarur gaur kijiyega okay ये एफ एक्स एफ वाई ठीक है ये तो मैं बना देता हूं कि ये जो एक्स डायरेक्शन है यहां पे आपका एफ एक्स फोर्स एक्ट कर रहा था ये एफ वाई है अब ये नेगेटिव साइन आया तो एफ वाई नीचे की तरह डाउनलोड मींस डाउनवर्ड साइड आपका एक्ट करेगा दूसरी चीज अगर आप देखेंगे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपका ये जो फ्लूइड डिफ्लेक्ट हुआ है कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ आपको मालूम है यहां से यहां तक आपका 180 डिग्री रहता है लीनियर पेयर तो अगर आपको ये वाला एंगल मालूम है जो थीटा है तो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है दैट इज योर 180 माइनस थीटा तो आपका जो ये फ्लूइड यानी कि जेट डिफ्लेक्ट हुआ था विद अ वेलोसिटी वी और ये डिवाइड हो गया था दो कंपोनेंट में ये आपके कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है दैट इज 180 माइनस थीटा आई होप आपको ये समझ में आया होगा अगर आप में से ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज आप चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट मुझे जरूर लिखेगा आपके सजेशन मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको टाइमिंगली वीडियोज लेके आने के थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू